तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना है, इसे हम कहते हैं हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आप लोग इन हेड्स के अलावा, इसके नीचे ही सारी चीजें आएंगी, इसके बाहर कभी भी कुछ नहीं आएगा। तो देयर आर फाइव हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के पांच हेड्स हैं, उनके बारे में आपको अब पता है। और अब मैंने आप लोगों से पूछना है कि उसमें कौन कौन सा हेड है, ठीक है? तो देयर आर फाइव अकाउंटिंग हेड्स, देयर आर फाइव अकाउंटिंग हेड्स, पांच अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। और इन पांच अकाउंटिंग हेड्स के अंदर ही पूरी अकाउंटिंग समाई हुई है। अब इन पांच अकाउंटिंग हेड्स को आपने सीखा हुआ है, मैं पहले नाम बताता हूं और फिर उसके बारे बाद आप लोगों के से पूछता जाऊंगा। एक हेड इसके अंदर होता है एसेट्स का हेड, ये भी आपको पता है। एक हेड होता है एक्सपेंसेस का, और ये सेम नेचर के होते हैं। एक हेड होता है लाइबिलिटी इनकम का, एक हेड होता है लाइबिलिटीज का, इसके बारे में मैंने आपको कहा भी था कि आपके लिख के आना है। और एक हेड होता है कैपिटल। लो मेरे भाई, ये पांच अकाउंटिंग हेड होते हैं। ये जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों की सेम नेचर होती है, आगे जब हम पढ़ेंगे। और एसेट्स, एक्सपेंस और इन दोनों की सेम नेचर होती है, चाहे आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ, फिर भी आप अगर आज से भी इस चीजों को गौर से पढ़ने लग जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर अब से चीजों को गौर से देखना शुरू कर देंगे और याद रख लेंगे तो आपको इश्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे एसेट्स की लिस्ट कौन बताएगा? एक बंदा कोई एसेट्स की लिस्ट, पहले मैंने इसको बड़ी डिटेल में सिखा दिया आपको, अब सिर्फ एक लिस्ट हमें चाहिए, एसेट की लिस्ट। मैं लिखता जाता हूं, अगर इसके आप भी लिखना चाहो तो लिख लो, सिर्फ रिवीजन के लिए। लैंड, बिल्डिंग, ये चीजें अब तो आपको याद हो गई होगी, और अगर याद नहीं भी हैं तो अब याद कर लो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद फिटिंग एंड फिक्सचर, फिटिंग एंड फिक्सचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म, बल्कि इन्वेस्टमेंट, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी हम सिर्फ एसेट्स की लिस्ट देख रहे हैं, नॉन करंट और करंट की बात नहीं कर रहे। स्टॉक, फिर आ जाएगा डेटर्स, या जिसका नाम आप कहते हो अकाउंट रिसीवेबल, एक ही चीज है ये। अदर रिसीवेबल्स, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद कैश, कैश इन हैंड, उसके बाद कैश एट बैंक,
ये तमाम लिस्ट है, इसके अलावा भी हो सकते हैं एसेट, लेकिन ज्यादातर इनमें कवर हो जाएगा। इनटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें वो भी इसमें लिख देते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारे के सारे हमारे एसेट हैं। ठीक हो गया। इनमें इनमें आपने जो जो आपको लगता है, अभी मैंने रहील ने जैसे कहा कि सर करंट ऑनर, अभी आपने सीक्वेंस से नहीं याद रखना, ये सिर्फ फिलहाल अब आपको पता होना चाहिए ये हमारे एसेट्स हैं, बस ये पता होना चाहिए कि इसमें से अगर किसी भी चीज का जिक्र हो रहा है तो हमने समझना है कि एसेट्स का जिक्र हो रहा है। जैसे हसन अली का सवाल है लाइसेंसेस और लोगोज वगैरह, हाँ जी, लेकिन अब इसके अलावा भी बड़ी लंबी लिस्ट है। फिलहाल आपने यही देखने हैं कि ये हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, याद नहीं रहते तो, लेकिन नेचर का पता होना चाहिए कि ये हमारा यानी एसेट है। बस फिलहाल हमने इसमें और कोई चीज नहीं ऐड की, करंट नॉन करंट टेंजिबल इनटेंजिबल को अलग नहीं किया। अब फिलहाल जो आगे हमने पढ़ना है वो हमें मेन हेड एसेट्स का पता होना चाहिए कि ये एसेट है, ये पहचान होनी चाहिए। बस ये पहचान हो जाएगी तो समझो काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस का जिक्र आता है। एक्सपेंसेस में आपको पता है, पहले मैं डायरेक्ट लिखूंगा, परचेज एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस, उसके बाद कैरेज इन, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, या ड्यूटी किसी भी तरह की होगी, ड्यूटी किसी भी टाइप की हो वो सारी, उसके बाद है सैलरीज। मोहम्मद अली कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बता दें। मोहम्मद अली भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं कि जो हम एडवांस में पे कर दें, एक्सपेंस पैसे पे कर दी हैं लेकिन अभी तक काम नहीं करवाया, सैलरी एडवांस में जैसे हम पे कर देते हैं, या ये जो आप लोग प्रीपेड ये कार्ड चार्ज करते हो, ये भी आपका एसेट होता है। जैसे जैसे फिर खर्च होता जाएगा ये एक्सपेंस में चला जाएगा। सैलरीज हैं, वेजेस हैं, कोई रिपेयर करवाते हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसके बाद बैड डेट्स हैं, इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की थी, और स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, यूटिलिटीज बिल है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, कोई आप सैंपल देते हो वो भी वैसे एडवर्टीजमेंट ही होता है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कोई कमीशन किसी को पे कर रहे हो, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है। कोई किसी किस्म का लॉस हो गया आपको, किसी भी किस्म का लॉस हो जाता है, आपका स्टॉक गुम हो गया, स्टॉक को आग लग गई, आपका एसेट चोरी हो गया, या आपने एसेट बेचा उसके ऊपर लॉस हो गया, जिसे लॉस ऑन डिस्पोजल भी कहते हैं, तो ये एक लिस्ट आपकी एक्सपेंसेस की है। क्योंकि बात डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी आता है इसके अंदर, कि जो हमारे किसी भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। एक्सपेंसेस की तो लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, बस हमने वही गिने चुने लिखने लिखे हैं। कैरेज आउट है, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है, सर जी, जी
जी स्टेशनरी कैसे आएगा एक्सपेंसिव में? मैं कल रात को बड़ा सोचा, मुझे समझ नहीं आई इसकी स्टेशनरी ऐसे स्टेशनरी। आता है, आप सुन ले, मैंने स्टेशनरी के ऊपर आपको बताया था कि स्टेशनरी के लिए जरूरी है कि वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना, वैसे तो ये नॉन करंट एसेट की लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड हमें ये कहता है क्योंकि ये इतने मटेरियल नहीं होते, इमटेरियल होते हैं। इमटेरियल होने की वजह से, वो कहता है इसको एक्सपेंस में लिख दिया करो। और आदि जी ने सवाल पूछा है कि सर वेजेस, आदि भाई वेजेस होता है दिहाड़ियां नहीं देते हैं, जो मजदूरों को पे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो वाली जो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं उसे वेजेस कहा जाता है। एक तो तनख्वाहें दी जाती है ना महीने के एंड पे, वो सैलरीज होती हैं, ठीक है, और ये जो दिहाड़ियां होती हैं, या वो कह दे जी आप जितने यूनिट बनाओगे हम उतने पैसे पे करेंगे, वो वेजेस होती हैं। उसके बाद इनकम की बात करते हैं। इनकम में हमारे पास सेल्स है सबसे बड़ी इनकम, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद अगर कोई कमीशन रिसीव किया है और अगर कोई आपने एसेट बेच के उसके ऊपर आपको मिला है, अगर कोई एसेट बेच के आपको इनकम हुई है, उसके बाद डिविडेंड के बारे में हमने पढ़ा था। डिविडेंड के बारे में कौन बताएगा? तो वो प्रॉफिट जो हमने यानी किसी कंपनी से शेयर लिए हो और उस पे जो मिले। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन शेयर्स, मतलब अगर आपने किसी कंपनी का प्रॉफिट, यानी किसी कंपनी से आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो उस कंपनी के, वो जो कंपनी शेयर खरीदे, वो जो आप लोग पैसे देते हो, और सॉरी उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है, हम उसे गेन ऑन डिविडेंड या गेन ऑन शेयर्स कहते हैं। डिस्पोजल है, डिविडेंड है, ओके होगी बात। चलिए जनाब, इंटरेस्ट सर रिसीव्ड, जी, ये डिविडेंड्स में तो प्रॉफिट की बात की आपने, ये वो होते हैं जो हम शेयर्स डालते हैं तो मंथली या पता नहीं ये एनुअल बेसिस पर हमें कंपनी वालों की तरफ से मिलते हैं पैसे शेयर्स जब हम डालते हैं, तो ये वो होता है ऐसा ही है, ठीक जी। ठीक हो बस। हो गया, ओके जी। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी है। ये चीजें सिर्फ अगर आपको पता होंगी तो अकाउंटिंग समझो आपको सीखने में आसानी होगी, फिर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों। लाइबिलिटी का अगर हम जिक्र करें तो लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमने लिखा कि ये क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स मतलब अकाउंट पेबल, और अदर पेबल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। किसी के भी हमने अगर पैसे देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी है। लोन हमारी लायबिलिटी में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारी लायबिलिटी में आता है। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई पेबल हो वो हमारी लायबिलिटी में ही आता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। इवन के अक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में सुन लें कि पहले भी आपने सुना होगा, जैसे बिजली का बिल आ गया वो आपका एक्सपेंस है, अगर आपने पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे किया तो वो आपकी लायबिलिटी है। अगर आपने नहीं पे किया तो फिर वो आपकी लायबिलिटी के अंदर आए। और नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस इनकम। अगर आप लोग इनकम भी एडवांस में ले लो, तो भी वो भी हमारी लायबिलिटी होती है कि अभी आपने काम करना है लेकिन पैसे पहले ले लिए।
ओके की बात। आगे चले फिर, चले डिबेंचर लायबिलिटी में आता है। अहमद शहजाद कह रहा है डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। अहमद भाई डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, वो एक लोन की टाइप रहती है, ठीक है। और चलें जी आगे फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। कैपिटल तो आप सबको पता है कि किसे कहते हैं कैपिटल। गानिया ने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्रूड एक्सपेंसेस को कहते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्रूड एक्सपेंसेस को कहते हैं, वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। मॉर्गेज लोन की एक टाइप है, यानी एक तो होता है ना, आप अगर कोई चीज गिरवी रखवा के कोई लोन ले लेते हो उसको हम कहते हैं मॉर्गेज होता है, वो भी लायबिलिटी ही है। और कैपिटल आप सबको पता है किसे कहते हैं, राइट। अब बाजो नेक्स्ट चलते हैं।